लड़ाई नहीं हो रही है। आपके हमारे फौज के लोग आते हैं जो आपको परेड राइफल ड्रिल वगैरह सिखाते हैं कुछ लोग आके? आपका मीडिया हाउस राजस्थान में, जैसा कि आपको पता है कि आज चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 21 जून है। पूरे भारत समेत पूरी दुनिया में लोग योग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश और दुनिया के बड़े बड़े नेता योग को प्रमोट कर रहे हैं। कोटा में आज एक बहुत बड़ा योग दिवस आयोजित किया गया। इसके इतर भी कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। हम इस वक्त कोटा शहर से थोड़ा सा बाहर एक जगह पे हैं जहाँ पे एनसीसी के द्वारा योग दिवस का आयोजन किया गया। इसमें तरुण कुमार सिन्हा जी हैं जो एयर कमोडेट है, वो शामिल हुए। हम उनसे जानकारी लेंगे सर प्रोग्राम के बारे में। योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में एनसीसी का योगदान है जी। कोटा में ग्रुप जो है, जो कर्नल नीरज बख्शी हेड कर रहे हैं, इनके निर्देश पर यहाँ पे करीब 4000 से ज़्यादा बच्चों ने योग भाग लिया है और पूरे राजस्थान में एनसीसी की तरफ से 22000 से भी ज़्यादा बच्चों ने योग में अब भाग लिया है। और इस योग एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी होके नहीं, ये योग जो है हमारे साथ पूरे करिकुलम में एम्बेडेड है, ये पूरे कैंप में एम्बेडेड है कि हम योग का भी उसमें अभ्यास करें। सर, आपने बच्चों से बात की, निरीक्षण किया, क्या लगा आपको? What is the situation of Kota NCC? Kota NCC का future is very bright. Yeah. और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप कमांडर और CEO अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसमें लगता है कि बच्चों के ऊपर जो NCC का ट्रेनिंग का प्रभाव होना चाहिए वो मुझे दिखेगा अगले 6 महीने में। ऐसी मेरा विश्वास है कि बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ेगा आप इनकी ट्रेनिंग के ऊपर, जो हमारा भी ध्यान रहा है। और हम चाहेंगे कि बच्चों के ऊपर हम जिस लिए हैं कि हम यहाँ पे हैं क्योंकि एनसीसी के कैडेट्स हैं और एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग के ऊपर हमारा पूरा ध्यान है। और मुझे सहयोग मिल रहा है ग्रुप कमांडर कर्नल नीरज बख्शी और सीओ से, और मुझे पूरा विश्वास है कि दिसंबर महीना तक, जब तक हम रिपब्लिक डे कैंप के लिए तैयारी करें, कोटा ग्रुप के बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। सर, एज वी सी की एनसीसी और आर्मी में ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटी होती है, योग की अगर हम बात करें तो योग नहीं होता, तो क्या अब योग भी प्रमोट किया जाएगा एनसीसी और आर्मी कैंप्स में? योग एज एन एक्टिविटी प्रमोट करने का हमारा एजेंडा नहीं है। योग उसी तरह है जैसे कोई दौड़ता है, कोई परेड करता है, उसी तरह योग एक आपको शरीर और मन का संतुलन बनाने का एक माध्यम है जी। तो योग एज ए पीरियड नहीं है, योग एज ए मीडियम है। जिस तरह से कोई परेड करते हैं तो परेड भी एंड नहीं है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आज की जो मिलिट्री है वो मॉडर्न मिलिट्री है, वो वर्ल्ड वॉर टू टाइप की मिलिट्री नहीं है जहाँ पे केवल दौड़ना है और राइफल लेके पहाड़ पे चढ़ना है। आज की मिलिट्री हमें इंटेलिजेंट मिलिट्री चाहिए और उसमें योग का बहुत योगदान है, जिसमें शरीर और मन का संतुलन बना रहे। तो वी नीड अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिलिट्री, और इसलिए ये जो हमारी एनसीसी की ट्रेनिंग है वो जो ये पैटर्न को एनमेश कर रही है कि हमारी ट्रेनिंग ऐसी हो कि ये जो फ्यूचर लीडरशिप हम तैयार कर पाएं एनसीसी के माध्यम के थ्रू। जी, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा जमाना है आज के टाइम पे। मोस्ट ऑफ जो यूथ्स हैं और जो बच्चे हैं ग्रोइंग एज से ही सोशल मीडिया में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट कैरियर जाते हैं, एनसीसी का दरअसल उनको ध्यान ही नहीं आता। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि उनके लिए एनसीसी कैसे बेनिफिशियल है? बच्चों, सरप्राइजिंगली, मतलब आपको आश्चर्य होगा कि एनसीसी के लिए हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। और यहाँ तक कि जब हम एनसीसी का एनरोलमेंट करते हैं तो हमें पुलिस बंदोबस्त की ज़रूरत पड़ती है, इतने बच्चे आते हैं। ऑलमोस्ट सिलेक्शन इज 1:10 और रिजेक्शन मानिए तो 9 बच्चों का रिजेक्शन हो जाता है। तो एनसीसी बहुत ही पॉपुलर है एज ए मीडियम इन राजस्थान, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर हमारे ऊपर दबाव है कि एनसीसी की संख्या और हम बढ़ाएं कैडेट्स की, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। अदरवाइज जो हायर एडुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने तो हमें रक्षा मंत्री को लिखा है कि 10,000 और बच्चे मुझे चाहिए एनसीसी के लिए। तो सोशल मीडिया या बिना सोशल मीडिया, एनसीसी डजंट रिक्वायर पब्लिसिटी, एनसीसी इज पॉपुलर एज इट इज, लेकिन हर जगह हमारा योगदान रहेगा और वो मीडिया को चाहिए कि हमारा योगदान जनता तक दिखाए। इसलिए आप और हम बात कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि इसी माध्यम से और लोगों तक ये बात पहुंचे कि एनसीसी क्या क्या काम करता है।
कलन बख्शी, डू यू वांट टू से समथिंग, क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम के बारे में? थैंक यू। ये हमारे डीडी जी साहब जो राजस्थान डायरेक्टरेट से आए हैं, आज तकरीबन सारे पॉइंट्स उन्होंने कवर कर दिए हैं। मैं एक ही ये कहना चाहूँगा कि हमारी कोशिश ये है कि कोटा ग्रुप का एज सच ट्रेनिंग के ऊपर जोर है, और हमारा उम्मीद है इस बारी जो कई सालों से बंद था, डीडी जी साहब की मेहनत और हमने भी रिक्वेस्ट की थी, अपना माइक्रो लाइट्स जो हैं, दो माइक्रो लाइट्स आ गए हैं, माइक्रो लाइट पर ट्रेनिंग तकरीबन 10 साल से यहाँ नहीं हुई, वो माइक्रो लाइट की ट्रेनिंग की जाएगी और इस साल हम उनको फ्लाई कराएंगे। हर एक कैडेट को मौका दिया जाएगा कि उसको फ्लाई कराएँ, और हर एक को जो आर्मी विंग और जो दूसरे विंग्स हैं उनको ट्रेनिंग में अच्छा फैसिलिटीज़ अवेलेबल करें। तो जैसा कि आपने देखा कि जो डीडीजी हैं उनका कहना है कि एनसीसी को किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, बच्चे ऑलरेडी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इनहेंस है। इसके अलावा कोटा को लेके बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिल रही है कि कोटा का एनसीसी बहुत अच्छा है। कई सारी ऐसी बारीकियाँ हैं जो पकड़ी गई, उन पर सुधार करने की कोशिश की जा रही है। आज इंटरनेशनल योगा डे में इसकी शुरुआत की गई है। धन्यवाद। परेड सिखाना, दूसरे होते हैं जो केयरटेकर्स होते हैं, केयरटेकर्स होते हैं जो इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एनओ, जिनकी जिनका वो अभी एनओ नहीं बने हैं लेकिन ट्रेनिंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग खुद नहीं हुई है, वो होते हैं केयरटेकर। ये बात मामला समझ में आ गया? ओके, तो पीआई स्टाफ क्या होता है? एनसीसी में पीआई स्टाफ भी होता है। पीआई स्टाफ किसी को मालूम है पीआई स्टाफ क्या होता है? ओके, जो हमारे फौज के लोग आते हैं जो आपको परेड राइफल ड्रिल वगैरह सिखाते हैं कुछ लोग आके, ओके, वो लोग पीआई स्टाफ उनको बोलते हैं। एयरफोर्स के भी लोग आते हैं, एक पढ़ाना है जो पीआई स्टाफ मिलिट्री के आते हैं। इन दोनों में विभाग